दिमाग नहीं खराब करो, मुझे सही सलामत दावत में पहुंचना है मुझे। अड़ो मैं आपको एक टेस्ट ड्राइव दे देती हूँ, उसके बाद फिर आपको मुझ पे यकीन आ। अबे टेस्ट ड्राइव में वापस नहीं आएंगे हम, तो घूमना होगा तो इधर घुमा लेंगे, घूमना होगा तो इधर घुमा लेंगे, गाड़ी रोकनी होगी तो उसे खींच देंगे। बीच में एक्सीलेटर चक होने वाला क्या ब्रेक। चलो भाई यही एक्सीडेंट कर दिया। हाँ, तो चल अबे चल उतर। खुशी की इंतहा चेक करे, फर्स्ट टाइम जिंदगी में गाड़ी स्टार्ट कर ली। भाई मेहरबानी करके गियर मत मारना। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, पाव नहीं हिलाओ, पाव में सीधा रखो, हिलाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी टीपियाँ कमजोर हैं, आगे कुछ हुआ मामला तो कैसे करेंगे। आप मुझे बताते रहना, देखो आगे ये आ रहा है, आगे ये आ रहा है, मैं बस पैर रख के चलाती रहूंगी। भाई लोगों को मरवाना नहीं है मुझे, अल्लाह माफ करे, केस हो जाएगा, FIR कर जाएगी। उतरो उतरो, ड्रामेबाजी नहीं करो, अभी उतर यहाँ से। Assalamualaikum guys, welcome back to a new vlog. तुम लोगों को बोलना जरूरी होता है, तो भाई हमें साफ देख सकते हैं आप लोग कहाँ जाने की तैयारियाँ शैयारियाँ कर रहे हैं। माय गॉड फुल रिमोट ऑफ ओ हो। हाँ दोस्तों गाइस, भाई जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि भाई हमारी आज दावत है हेरा की फुप्पो के घर पे, हम लोग वहीं जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। हम सब रेडी शेडी हुए हैं, सब तकरीबन रेडी हो गए हैं, इस वजह से तकरीबन 6:30-7 का टाइम हो रहा है। तो असल में आपको पता है कि कराची में बारिशों का सीन वीन चल रहा है, आज का बोला 75% बारिश है, तो हम लोग बोलो जल्दी जाओ, जल्दी खाना खा के वापस आ जाओ। चक्कर में जल्दी जल्दी सारे तैयार हो गए हम लोग। भाई कभी शादी में जाने के तुम इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई है, आई वीडियो बनानी थी याद देखें, हद हो गए, हद हो गया। देखें शादी में जाने के फुल मेकअप ये वो लिपा पोती हो रही होती है, लेकिन भाई यहाँ जाने के पड़ा तैयार हो गए। तैयारी नहीं करनी पड़ती ना, सिंपल ड्रेस पहन और रेडी। हाँ ये तो है। तो एनीवेज मैं मोबाइल लगा लूँ चार्जिंग पे, ठीक है, और गाड़ी निकाल लूँ तो मोबाइल लेके नीचे उतर जाना, ओके डन है। तो गाइस वकास तो उतर गए नीचे गाड़ी निकालने के लिए, और वकास कह रहे हैं बस जल्दी से बच्चों को रेडी करो और नीचे आ जाओ, लेकिन मुझे एक शरारत सूझ रही है। मैं सोची क्यों ना मैं पहले उतर के वकास के साथ जाके गाड़ी में बैठ जाऊं, और मैं वकास को बोलूं कि आज मैं ही ड्राइव करूंगी, आज मैं ही कार चलाऊंगी। वकास हैरान हो जाएंगे कि भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है गाड़ी का कैसे चलती है, क्या है क्या नहीं, और आज अचानक जाने के टाइम पे तुम कार ड्राइव करने की क्या सोच रही है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ी शरारत करूं, बस अब टेंशन ये है कि इन बच्चों को कहाँ छोड़ना है, क्योंकि ये बच्चे अगर साथ उतर गए तो फिर मेरा सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तो बस देखते हैं जल्दी से, मैं सोच रही हूँ पहले मैं उतर जाऊँ और फिर थोड़ा सा वकास को तंग करेंगे, देन इसके बाद निकलेंगे दावत में जाने के लिए। तो भाई देखें वकास ने गाड़ी निकाल ली और मुस्तफ़ा बहुत रो रहा है, मैं जल्दी से नीचे आ गई हूँ, तो छोटा सा प्रैंक जल्दी से शूट करते हैं और फिर चलते हैं। ये देख सकते हैं वकास कार साफ कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं, गाड़ी में चल के बैठ जाते हैं। क्या मतलब कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही आज मैं चलाऊंगी गाड़ी। तुम पागल पागल हो गई हो? बस आज मैंने चलानी है, आज गाड़ी मैंने चलानी है। हाँ खुदा का खौफ क्या करूँ, बस आज दावत के नहीं, बस आप जल्दी से आ जाएं, जल्दी बच्चे नीचे उतर रहे हैं, मैं चलाऊंगी आज गाड़ी, आ जाएं। उतरो अच्छा ये मोबाइल पकड़े, मैं चलाऊंगी आज गाड़ी, जल्दी करें मोबाइल पकड़े, जल्दी ये क्या चलाते हैं गाड़ी, जल्दी आ ये क्या अरे आज ही जल्दी मुझे आती गाड़ी चलाना, आज ही जल्दी आ जाए। एक काम करो गाड़ी चलाने से पहले अपना दुपट्टा अंदर कर लो, बच्चे आ जाएंगे, टेस्ट ड्राइव दे देते। अबे उतर पागल पागल हो गई क्या, सही ना, उतरो उतरो शाबाश, टेस्ट ड्राइव दे देते हैं उतरो, अरे आ जाओ टेस्ट ड्राइव दे देते। अबे उतरो आ जाओ जल्दी आ जाओ, दिमाग नहीं खराब करो, मुझे सही सलामत दावत में पहुंचना है मुझे। अड़ो अबे उतरो ना, दिमाग पागल नहीं हो रहा, देर हो रही है, हैं गाड़ी चलाना, पहले एक ड्राइव आपको दे दे। गाड़ी गाड़ी के पहले काम करे एसी ऑन करके दिखाओ, अपना दोस्तों पहले काम करते हैं, गाड़ी का एसी ऑन करवाते हैं, गाड़ी ऑन की एसी ऑन कर, चलो यार बच्चे मैं आपको टेस्ट ड्राइव दे देती हूँ, उसके बाद फिर आपको मुझ पे यकीन। अबे टेस्ट ड्राइव में वापस नहीं आएंगे हम, तुम्हारी कभी जिंदगी में चलाइए गाड़ी। अच्छा अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, अच्छा बताओ क्या क्या चीजें कौन सी, बताओ भाई दिखाओ। ये तो है ब्रेक, कौन सा ब्रेक, कौन सा ब्रेक है, ये ब्रेक है गाड़ी रोक, कौन सा, दो ब्रेक होते हैं गाड़ी में, ये कौन सा ब्रेक है, ब्रेक रोक लेते हैं ना बस गाड़ी, ब्रेक रोक लेते हैं, वाह भाई वाह भाई, ये हैंड ब्रेक होता है, ब्रेक रोक लेते हैं। अच्छा ये क्या है, इससे गाड़ी घुमाते हैं, इससे इससे हाँ। कहते क्या है इसको, इसको कहते हैं स्टीयरिंग, स्टीयरिंग सही है। अच्छा इसको क्या, इसको किसको किसको घुमाते हैं, कहाँ घुमाते हैं, घुमा के दीवार में ठोक देते हैं, नहीं नहीं इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इधर मोड़ना होगा तो इधर घुमा लेंगे, इधर मोड़ना होगा तो इधर घुमा लेंगे, गाड़ी रोकनी होगी तो उसे खींच देंगे। अच्छा गाड़ी रोकनी होगी तो ये वाला ब्रेक दबाएंगे हैं, और मुझे नीचे क्या क्या है, पाओ डाउट में बताओ, तीन तीन चीजें नीचे क्या है, चीजें ना ये वाला गैवल टपा इधर, हाँ ये क्या है, क्या है ये, क्लच
क्लच क्लच हाँ ठीक है हाँ और ये है बीच में क्या है एक्सीलेटर बीच में एक्सीलेटर मतलब कोने वाला क्या ब्रेक कोने वाला वाला ब्रेक हो गया ब्रेक बीच वाला एक्सीलेटर हो गया ले भाई यही एक्सीडेंट कर दिया बीच वाला ब्रेक होता है उधर वाला एक्सीलेटर होता है इधर वाला कलर सही बताया अबे चल उतर पागल पागल अबे भाई सही सलामत जाना है हमें जोर मुझे बताएगा कैसे ऐसे आगे चाबी घुमा दो बस आगे इधर घुमा दो ऐसे हाँ करो करो और घुमाओ नहीं चलेगी गियर में नहीं है कर दी मैंने स्टार्ट देखी है स्टार्ट नहीं हुई है गाड़ी अभी स्टार्ट देंगे अभी फैन ऑन हुआ गाड़ी स्टार्ट हो गई ये चेक करें आप लेवल ड्राइवर ड्राइवर बनेंगे ये करो 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 बिस्मिल्लाह स्टार्ट करने में हवा निकली हुई आधी से डाउन तो नहीं नहीं करो करो स्टार्ट अल्लाह मालिक ये खुशी की इंतहा चेक करें फर्स्ट टाइम जिंदगी में गाड़ी स्टार्ट कर ली अब भाई मेहरबानी करके गियर मत मारना और नीचे कुछ नहीं करना सही है दावत में जाना है नहीं नहीं कुछ नहीं करना पाँव नहीं हिलाओ पाँव में सीधे रखो हिलाने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं बस रहना तो कुछ नहीं करने की जरूरत है बस स्टार्ट करनी आ गया ना आज के लिए इतना काफी है बाकी जो ना बाकी का तुम्हें टेस्ट जो है ना मैं कल वल दूंगा ट्राई तुम्हें कल करवाऊंगा अभी तुमने स्टार्ट करने सीख लेना ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें स्टार्ट करनी आ गई गाड़ी बस अभी आप उतरे वरना मैं धक्के मार के उतार दूंगा अबे बच्चे रो रहे होता बिलाव से ट्राई में पास गया यार क्या है मुझे चलानी है मुझे चलानी अब स्टार्ट करी तो मैं चला भी सकती हूं आपको अच्छा प्लीज क्यों नहीं स्टार्ट करने के लिए मुस्तफा को बुलाऊंगा ना वो भी अभी स्टार्ट कर देगा समझ आई नीचे का मेन मुद्दा होता है क्लच ब्रेक एक्सीलेटर सारी चीजें होती हैं भाई देखो आसान बात नहीं है अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया अब मैं चला सकती हूं चाबी घुमाओ बंद करो अब जरा बंद करके दिखाओ गाड़ी बंद कैसे होती है पीछे घुमा दो चाबी बस मुझे बंद कर यार खुशी चेक करें यार ये छोटी छोटी खुशियां हैं गाड़ी स्टार्ट कर ली गाड़ी बंद कर दी ये खुशियां चेक करें यार चला भी लूंगी ऊपर तक तो मुझे लग रहा है अबे भाई चलो देर हो रही मगरिब होने वाली है बच्चे रो रहे हैं मुस्तफा की आवाजें आ रही अच्छा तुम इस गाड़ी में नहीं सीख सकती ऑटोमेटिक गाड़ी अल्लाह ताला जिस दिन भी देगा ना इंशाल्लाह ऑटोमेटिक इससे ज्यादा आसान होती है ना क्योंकि उसमें गियर के चक्कर होता नहीं है लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि तुम ऑटोमेटिक भी नहीं चला सकती क्योंकि तुम्हारी टीपनियां कमजोर हैं अब तुम्हारी टीपनियां कमजोर हैं आगे कुछ हुआ मामला तो कैसे करेंगे मुझे बताते रहना देखो आगे ये आ रहा है आगे ये आ रहा है मैं बस पैर रख के चलाती रहूंगी मेरा दिमाग खराब है ना भाई लोगों को मरवाना नहीं है मुझे अल्लाह माफ करे केस हो जाएगा एफआईआर कर जाएगी और एफआईआर तो बाद में पहले हम ही ठुक जाएंगे तो मान कहानी क्या बनेगी अब भाई मैं मुझे डर लगता है मुझे योजना सिखानी आती मैं खुद चला दूँ बहुत बड़ी बात है ऐसा कोई सीन नहीं है अब उधर देर हो रही है ड्रामे बाद में दरवाजा खुल को उतारता हूँ अच्छा अच्छा उतरो उतरो ड्रामे बाजी नहीं करो अब उतरो ड्रामे अबे जाना देर हो रही है इलाज में एलसी बनने जा रही हो यार उतर जाओ भाई अल्लाह के वास्ते यार बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना मुझे जाओ चलो चाबा आ जाओ चलो अभी उतर यहाँ से चल ड्रामे बाजियाँ आनी तो बच्चों को लेकर आ जाओ मैं रेडी हूँ गाड़ी चलाएंगी ये बड़ा आया मैं वही बोलूं मैंने कहा टीपनियां कमजोर है गाड़ी चलाने बैठ गए ड्राइविंग सीट हाँ तो भाई चलो बच्चों को ले आओ निकलते हैं सही है मैं डर गया मैंने बोला ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और ये बस गाड़ी चलाना अल्लाह ना करे कुछ मामला हो जाए कुछ ठुक जाए कुछ चीज हो जाए कौन संभालेगा भाई तो एनीवेज भाई प्रैंक था चलें बाहर निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस भाई मैं ऊपर आ गई बच्चों को लेने के लिए तुमने मम्मा की हरकत देखी क्या करा है तुम ऊपर थे ड्राइविंग सीट पे बैठे गाड़ी स्टार्ट कर ली पागल हो गया वापस आते फिर हम लोग बंद करो अपना हाँ काम हेरा मगर की नमाज पढ़ के चलेंगे मगर की नमाज पढ़ के चलेंगे ना अच्छा हाँ क्या कह रही हो क्या कह रही हो मैं गाड़ी स्टार्ट करके पता नहीं है कौन सी रेस है और कौन सा एक्सीलेटर है और कौन सा ब्रेक है यानी ब्रेक को मम्मा कह रही है कि रेस और रेस को कह रही है मम्मा ब्रेक और मैं गाड़ी चलाने दूं मेरा दिमाग खराब एक ही चीज तो आगे पीछे हुई थी बाकी तो सब वो एक ही चीज से सारे मामले खराब हो जाएंगे वो एक चीज सही कर लूंगी मैं लेकिन आप कल आप मुझे चलाएं ये दिमाग खराब नहीं है आई बड़ी फटाफट भाग के दरवाजे से निकल गई मम्मा और
ड्राइविंग सीट पे मैंने कहा क्या हो गया पागल वागल हो गया तब प्यार भी जिनमें हो गया क्या चढ़ गया क्या हो गया अल्लाह ने कह किसी को ठीट बीट कर दिया तो वो लेने के देने पड़ जाते भाई। अबे चल कोई बात नहीं नमाज पढ़ के निकलने वाली करो सही है चलो गाड़ी चलाएंगी बड़ी आई गाड़ी चलाऊ गाड़ी चलानी आती नहीं गाड़ी चलाएंगी तो एनीवेज गाइस मैं भी ऊपर आ गया था गाड़ी पार करके क्योंकि मगरिब की अजान हो रही मैंने बोला नमाज पढ़ के निकलेंगे यार वरना रास्ते में नमाज निकल जाएगी और फिर वहाँ जाके तो आपको टाइम ओवर हो जाएगा मगरिब का। तो हाँ तो सो गाइस भाई हम लोगों ने नमाज पढ़ ली और हम लोग निकल रहे हैं दावत में जाने के लिए। आ जाओ चाइना की ड्राइवर क्या कह रही हूँ आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ लोगों को उड़ाने के लिए हैं क्या कि तुम लोगों को उड़ाते थे गाड़ी चलाना चलाओ गाड़ी स्टार्ट कर दी जिस बंदे ने आज तक अरे गाड़ी तो ये भी स्टार्ट कर लेगा गाड़ी स्टार्ट करने में क्या मतलब है गाड़ी बंद भी कर दी अल्लाह मत कुछ नया डायलॉग मार दे इस बात के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ली और गाड़ी बंद कर दी यार इससे कोई डायलॉग मार दे अहमद यार तेरी मेहरबानी होगी यार क्या यार आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया अपने ब्रेसलेट ये आगे ना गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी खड़ी हुई नहीं होती चला लेते हाँ ये पकड़ो ब्रेसलेट गाड़ी चला लेती निकलते गाइस आगे घर है ना उसके अंदर जाके ठोक भी देती भाई देख सकते हैं मम्मा पता नहीं क्या बनवा रही है की 1.5 लाख का है मम्मा मोरा बनवा रही है पकड़ा ही खत्म हो गया मोरे खत्म नहीं है ब्रेसलेट है क्या हो गया आज बोले ले रहा हूँ बोला था ना हाथ का दो और एक लटकाने वाला आज वो कास्ट से मुझे बिना कहे दिलाएंगे थैंक यू सो मच आज जा रहे थे ना हम दावत में इसकी उस दिन तो मॉल जा रहे थे इसलिए नहीं लिए थे वकास से मुझे पता था थैंक यू। A few inches later वाओ तो भाई आ गए पप्पू के घर पे और आती है मुझको पसंद भी है वो मिट्टू के पास लग गए उस वो क्या बोल रहा है मिट्टू क्या बोल रहा है हाँ वो देखें क्या हुआ मिट्टू बेटे हाँ वही है ना तुम्हारा जो पुराने घर में था इसका नाम टॉमी है 20 साल हो गए वाह माशाल्लाह भाई ये देखिए 20 साल का पैरेट है ये टॉमी नाम है इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। 3 hours later भाई दावत से अपने घर पर आ गए भाई फाइनल दावत थी भाई दावत खत्म हो गई घर आ गए तो भैया सीन कुछ ऐसा था कि भाई आज हीरा ने हमारे साथ करा प्रैंक नहीं था भाई उसकी पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं गाड़ी चला लूँ यार अब खुद सोचे मैनुअल गाड़ी कई बंदी ने गाड़ी चलाई नहीं है भाई स्टार्ट कर ली सब कुछ कर लिया ना खुदा को मानो यार आगे बंदे खड़े में गाड़ियाँ खड़ी हैं ठोक दोगी जिद कर रही है मैं गाड़ी चलाऊंगी लेकिन यार मैंने उससे प्रॉमिस कर दिया कि इंशाल्लाह जिस वक्त भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऑटोमेटिक गाड़ी दे दी ना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा बता दूंगा क्या क्या मामला होते हैं लेकिन उसमें भी मैं तुम्हें खुद एक ग्राउंड में लेके जाऊंगा इन रोडों पे इन गलियों में गाड़ी तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि मसला सारा होता है कि जारी बस नया नया ड्राइवर है और मसले होते हैं और मुझे जो पर्सनली बताऊँ मैं खुद तो अच्छी ड्राइविंग कर लूंगा लेकिन मैं सिखाने में ना मुझे नहीं होता है मैं प्रॉपर नहीं सिखा पाता भाई सारी बात है सामने का दिमाग कुछ और मेरा दिमाग कुछ और तो मैं सिखाने वाला बंदा नहीं हूँ मुझे नहीं आती लेकिन फिर भी मैं इसकी ख्वाहिश मैंने वादा करा इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब भी मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी देगा तो मैं इसकी ग्राउंड में ले आके हेरा की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा भाई। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा मिलता हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।